हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू उषापुरी किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू मटर की सब्ज़ी इंस्टेंट ग्रेवी मसाले के साथ, रेडीमेड मसाले के साथ। तो उसके लिए हमने आलू लिए हैं, मटर लिया है, दो टमाटर की प्यूरी ली है, 1 टीस्पून जीरा लिया है, आप स्वाद अनुसार ले सकते हैं, और ये इंस्टेंट ग्रेवी मसाला जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब मैं आपको बनाना बताती हूँ। ये मैंने 2 टीस्पून ऑयल लिया है, आप किसी भी प्रकार का तेल ले सकते हैं जो आप प्रेफर करें। मैंने इसमें जीरा डाला है, मैं इसको रेड होने तक भूंजूंगी। ये मैंने इसमें टोमेटो प्यूरी डाल दी जो कि 2 टमाटर की है। मैंने इसमें ये मटर ऐड की है, ये आलू ऐड किए हैं, मैंने इस मसाले में 1/2 कप पानी डाल के इसको गीला किया है ताकि ये ग्रेवी में थोड़े अच्छे से मिक्स हो सके। मैंने इसमें ये इंस्टेंट ग्रेवी मसाला ऐड कर दिया। आप इसको धीमी आंच पे पकाइएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे आप देख रहे हैं कि इसमें कितना अच्छा कलर आता जा रहा है। ये बहुत इजी है उन लोगों के लिए जो कि बाहर रहते हैं, जो कि लड़कियां या फिर जो भी है जॉब करने वाले, जिनके पास टाइम नहीं होता बिल्कुल भी खाना बनाने के लिए, तो ये सिर्फ मे बी ये 10 मिनट से पहले ही बन जाती है। आप बिल्कुल धीमी आंच पे पकाइए इसे। और हम इसे बिना टोमेटो ग्रेवी के भी बना सकते हैं। मैंने टोमेटो इसीलिए डाला है क्योंकि इसकी ग्रेवी थोड़ी सी गाढ़ी रहे, जो कि मेरे यहाँ से आप पसंद करते हैं, इसीलिए मैंने डाला है। आप बिना ग्रेवी के भी, टोमेटो ग्रेवी के भी बना सकते हैं, ये आपकी ऑप्शनल है। चलिए अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि कितना सुंदर लग रहा है बनने के बाद, और ये बहुत टेस्टी भी है। आप इस मसाले के साथ कोई भी सब्ज़ी बना सकते हैं, दाल मखनी, बटर मसाला। शिट, ये और कुछ बोलना है? कोई हरी सब्जी में, कोई सब्जी मिक्स वेज कह दो, कोई हरी सब्जी कुछ भी बना सकते हैं मसाले फूल गए क्या करिए येलो ग्रेवी मसाले येलो ग्रेवी मसाला इस येलो ग्रेवी मसाले के साथ आप कुछ भी, कोई भी सब्ज़ी बना सकते हैं 5 मिनट में, चाहे वो मिक्स वेज आलू मटर या पनीर से रिलेटेड कोई भी सब्ज़ी हो, आप बहुत ही सिंपली बना सकते हैं।